नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, हम आर के राजपूत बुक्स के ट्रांसफार्मर चैप्टर के वो MCQ को कवर कर रहे थे, और अभी तक ये मेरा पहला वीडियो आ चुका है और ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग 57 क्वेश्चन पहले वीडियो में कवर किए थे, और इस वीडियो में हम लोग 57 से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट नेसेसरली डिजायर इन अ थर्म इन अ मटेरियल फॉर अ ट्रांसफार्मर कोर। दोस्तों, बताना है आपको कि इसमें से कौन सी गुण जो है, जो ट्रांसफार्मर कोर की कौन से गुण को होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उसका जो मेन पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी। अगर कोर की थर्मल कंडक्टिव होगी तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए। तो पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन पर। स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स सेटिस्फैक्टरली व्हेन। देखिए दोस्तों, कह रहा कि स्टार जो ट्रांसफार्मर है वो सेटिस्फैक्टरी काम करेगा। कब काम करेगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, जब ये केवल लोड बैलेंस पर ही काम करेगा, यानी बैलेंस लोड पर ही काम करेगा। इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि जब हम लोग ये सेटिस्फैक्टरी यूज करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर होती है इसकी, इसमें जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया जाता। तो जब न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया जाएगा तो उसे केवल बैलेंस कंडीशन में ही यूज किया जाएगा। अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उस न्यूट्रल को अगर हम लोग अगर अर्थ कर देते हैं तो स्टार ट्रांसफार्मर को हम लोग अनलोड अनबैलेंस्ड पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 60, डेल्टा ट्रांसफार्मर वर्क्स सेटिस्फैक्टरली। देखिए दोस्तों, कह रहा कि डेल्टा जो ट्रांसफार्मर है वो संतोषजनक कार्य करता है। कब? तो ये लोड और नो लोड दोनों कंडीशन में काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो लोड और नो लोड दोनों कंडीशन में क्या करेगा, ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन है 61, बुक होल्स रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बुक होल्स रिले जो है वार्निंग देता है और प्रोटेक्शन करता है। किसके करता है? दोस्तों, जो इंटरनल फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुक होल्स रिले लगाते हैं। तो इंटरनल फॉल्ट इन साइड द ट्रांसफार्मर, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 62, द मैग्नेटाइजिंग करेंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग करेंट होती है वो प्रायः बहुत ही कम होती है। क्यों? तो क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो एयर गैप होता है, स्मॉल एयर गैप की वजह से वो जो मैग्नेटाइजिंग करेंट होती है वो कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन अ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग क्या है, क्या नहीं चेंज होता है इस, अगर सामान्यतः देखा जाए तो ट्रांसफार्मर में जो है फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरली डिजायरेबल फॉर द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। देखिए दोस्तों, पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसफार्मर में आपका कौन सा गुड़ जो है, ट्रांसफार्मर कोर में कौन सा गुड़ होना चाहिए जो हमारे लिए इच्छित नहीं होता है। तो उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी है तो उसके वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। जो ट्रांसफार्मर जो लीकेज फ्लक्स होता है किस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों, किस पर करता है? वो लोड करंट पर निर्भर करता है, यानी जो होगा इसमें लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन द लोड करंट। अगला क्वेश्चन है 66, द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड हैव। देखिए दोस्तों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो उसका जो पाथ होता है वो किसको करता है, किसको फॉलो करता है? दोस्तों, आप कोई भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हमेशा लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, नॉइज लेवल टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज अ। देखिए दोस्तों, नॉइज लेवल टेस्ट क्या होता है? यह है एक प्रकार का टाइप टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? एक टाइप टेस्ट होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूटीन टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर। आपको बता रहे दोस्तों, इसमें से रूटीन टेस्ट कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, हमको बता दें कि कोर इंसुलेशन टेस्ट, इम्पीडेंस टेस्ट एंड पोलैरिटी टेस्ट, ये सभी जो है रूटीन टेस्ट है, जबकि रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट ये जो है आपका, ये रूटीन टेस्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, अ ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है? तो उसमें कब होता है? लीडिंग पावर फैक्टर पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते क्वेश्चन नंबर 70 पर, हेलिकल कॉयल्स कैन बी यूज्ड। हेलिकल कॉयल यूज किया जाता है दोस्तों, तो क्या किया जाता है दोस्तों? लो वोल्टेज साइड पर करते हैं लेकिन हाई केवीए रेटिंग के लिए किया जाता है। तो लो वोल्टेज साइड ऑफ द हाई केवीए ट्रांसफार्मर के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर रिजल्ट्स। हार्मोनिक्स के कारण ट्रांसफार्मर में क्या जो है क्या होता है, क्या प्रभाव उसको देखने को मिलता है, क्या परिणाम मिलता है देखने को? तो देखिए दोस्तों, हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है, उसमें जो कोर लॉसेस होगी वो भी बढ़ जाएंगी, और आई स्क्वायर आर लॉसेस ये भी बढ़ेगा, और मैग्नेटाइजिंग इंटरफेरेंस जो होगा कम्युनिकेशन सर्किट में वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हमारे उसके बाहर पास से अगर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीफोन वगैरह वायर वगैरह कुछ भी जा रहा है, तो उसमें भी हार्मोनिक्स क्या करेगा, उसमें उसके कारण खराब हो सकता है वो। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72, द कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजली। देखिए दोस्तों, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो कोर होता है वो किस क्या क्या होता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो कोर होता है वो प्राय एयर कोर का होता है दोस्तों। अगर इसमें हम कोई भी कोर यूज करेंगे, अगर कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या फिर सिलिकॉन स्टील का भी यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हिस्टीरेसिस लॉस बहुत अधिक मात्रा में होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, केवल और केवल कोर लॉस एयर कोर का ही यूज करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1600 वॉट एट अ हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। देखिए दोस्तों, कह रहा है जो फुल लोड पर है, फुल लोड पर जो कॉपर लॉस है वो 1600 यानी 1600 वाट है, और कह रहा है कि हाफ लोड पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो हाफ जो फुल लोड का कॉपर लॉस होता है, अगर हम लोग हाफ लोड पर निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर होता है। इसको अब याद रखिए दोस्तों, आई स्क्वायर आर, तो हाफ लोड है तो आई को आधा कर दीजिएगा, तो आई स्क्वायर आर यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, जो फुल लोड का है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 1/4 टाइम हो जाएगा। तो आपको 1600 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 400। क्वेश्चन नंबर 74, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। करा जो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन में जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है। तो क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या होता है, इक्वल्स टू 4.44 एन एफ, और यहाँ से फाई एम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यही जो फाई एम है इसी की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 75, सिलिकॉन स्टील यूज इन अ लेमिनेशन मेनली डिड्यूस। देखिए कह रहा है, देखिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील ही यूज करते हैं लेमिनेट टू द लेमिनेस, तो लेमिनेशन मेनली रिड्यूस। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिलिकॉन स्टील यूज किया गया है, तो सिलिकॉन स्टील का जो मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 76, विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ द लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो वाइंडिंग होगा, कि जो ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग होगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होगा। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा दोस्तों, बहुत ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हाई हो गया तो वहाँ पर करंट क्या हो जाता है, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है अधिकतम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया जाता है, कब, तो फुल लोड पर डिजाइन किया जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। दोस्तों कह रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो क्या लाभ होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में, तो यहाँ पर क्या करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा कॉपर होता है वो कम लगता है, यहाँ पर कॉपर सेविंग इन अ वाइंडिंग मटेरियल्स, तो ये हो जाएगा वाइंडिंग मटेरियल्स में कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 79, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल बिकॉज। तो आयरन लॉस जो होता है निगलिजिबल होता है, तो क्यों होता है दोस्तों, बिकॉज हम लोग जो प्राइमरी साइड होता है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसमें जो वोल्टेज लगाते हैं प्राइमरी साइड वो बहुत ही कम लगाते हैं, द वोल्टेज अप्लाइड ऑन अ प्राइमरी साइड इज लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80, टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, दिस ट्रांसफार्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इंपीडेंस, दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन। देखिए दोस्तों, कह रहा है दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मर को जो है पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, लेकिन कह रहा है कि उनमें जो उनकी परसेंटेज इंपीडेंस है वो बराबर नहीं है, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी लोड शेयरिंग होगी वो बराबर नहीं होगी। तो लोडिंग ऑन द ट्रांसफार्मर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द केवीए रेटिंग। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 81, द चेंज इन अ वॉल्यूम ऑफ अ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट्स इज टेकन केयर ऑफ बाई विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। दोस्तों कह रहा है कि जब ट्रांसफार्मर में जो हीट के कारण होता है, जो वेरिएशन होता है, जो उसके आयल में कूलिंग में जो वेरिएशन होता है, जो घटता बढ़ता आयल का लेवल टेम्परेचर कारण, तो उसमें बताएं इसको जो है प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, तो कंजर्वेटर का यूज किया जाता है आयल इसके प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 82, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज। करें दोस्तों, एक आइडियल ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो रखता है, क्या रखता है, उसमें कोई लॉसेस नहीं होना चाहिए, नो लॉसेस एंड नो मैग्नेटिक लीकेज, उसमें कोई भी मैग्नेटिक लीकेज नहीं होना चाहिए और उसमें कोई लॉसेस नहीं होना चाहिए, उसी को आप कहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन अ गिवन ट्रांसफार्मर इज रन एट इट्स रेटेड वोल्टेज बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी इट्स। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर इसकी जो है एक ट्रांसफार्मर है, अगर उसको जो है रेटेड वोल्टेज पर चल रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो उसकी फ्लक्स कोर डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 84, इन एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आयरन लॉसेस रिमेंस प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड बिकॉज। देखिए दोस्तों इसमें कर रहा है कि जो एक ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो आयरन लॉसेस रिमेंस प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, जो आयरन लॉस होता है वो कॉन्स्टेंट होता है नो लोड से फुल लोड की तुलना में, तो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स होते हैं टोटली क्या होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, तो कोर फ्लक्स रिमेंस प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 85, एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव अ मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच एट दैट, करा दोस्तों एक ट्रांसफार्मर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी रखेगा कब, कब रखेगा दोस्तों जब उसका कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाए। देखिए दोस्तों अगर प्रायः देखा जाए तो इसमें वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉसेस हर एक मशीन में लगभग यही मिलेंगे, तो वेरिएबल लॉसेस में आपका कॉपर लॉसेस आएगा और कांस्टेंट लॉसेस में क्या आएगा आपका आयरन लॉसेस आएगा, तो ये आपका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 86, इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द आयरन लॉसेस विल बी, देखिए दोस्तों अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो आयरन लॉसेस क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखिए दोस्तों दिया है डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या होता है वो डिक्रीज होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 87, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेटिव दैट द लोड इज, कह रहा था अगर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है दोस्तों तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा लोड है वो कैपेसिटिव होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं रेगुलेशन कैसे निकालते हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज अपॉन सेंडिंग इन वोल्टेज इनटू 100, ये तो होता है दोस्तों इसी से निकालते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो लोड होगा वो कैपेसिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 88, आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन बी मेजर्ड बाई, आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, तो लो पावर फैक्टर वाट मीटर के द्वारा आयरन लॉस को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट इट्स आयरन कोर विल बी, कर दोस्तों अगर सेकेंडरी का जो है ट्रांसफार्मर है अगर उसकी सेकेंडरी को आपको ओपन कर दिया जाए, व्हेन द सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज ओपन, करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है उसको ओपन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया दोस्तों कि हॉट बिकॉज ऑफ वेरी हैवी आयरन लॉसेस टेकिंग प्लेस इन द ड्यू टू द हाई फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आयरन लॉसेस क्या होगा, हॉट बिकॉज हैवी आयरन लॉसेस, आयरन अधिक आयरन लॉसेस की वजह से क्या हो जाएगा वो हॉट हो जाएगा और ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी कारण भी। क्वेश्चन नंबर 90, द ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर्स बाई, देखिए दोस्तों जो है ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है उनको जो है इंसुलेट किया जाता है, किसके कारण किया जाता है, थिन कोट ऑफ द वार्निश, उस पर वार्निश की पतली पर चढ़ाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91, विच टाइप ऑफ द वाइंडिंग इज यूज्ड इन अ थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की वाइंडिंग की यूज की जाती है, तो उसमें होता है विच टाइप की वाइंडिंग यूज करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 92, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो करा ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट होता है दोस्तों, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी इज अ सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, तो प्राइमरी की तरफ हम लोग क्या करते हैं कि जितना रेटेड रहेगा उतना वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, देखिए दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर में क्या मतलब क्या ज्ञात करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है दोस्तों, आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए या कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 97, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए फाइंड आउट करने के लिए करते हैं दोस्तों, कोर लॉस कॉपर लॉस को कम करने के लिए इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज नेसेसरी दैट द दे शुड हैव, कर दोस्तों कि अगर आपको पैरेलल ऑपरेशन करना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए तो आपको इसमें मुख्य रूप से क्या आवश्यक होने चाहिए, देखिए दोस्तों जब भी कभी हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो हमारा जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, अगर पोलैरिटी में अगर सेम नहीं है दोस्तों तो क्या हो जाएगा वहाँ पर डेड शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ जाएगी जिस कारण हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 96, द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव वेलेटाइल एंड विस्कोसिटी, देखिए दोस्तों करा कि जो ट्रांसफार्मर होना चाहिए उसकी जो वेलेटाइल होनी चाहिए, जो उसमें अवाष्पशीलता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए और विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलेटाइल मतलब वाष्पशीलता जो वाष्पित होता है, तो दोस्तों होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको जो उसकी वेलेटाइलिटी है वो कम होनी चाहिए और विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97,
द फंक्शन ऑफ अ ब्रीथर इन अ ट्रांसफार्मर इज, दुखी दोस्तों कह रहे जो ट्रांसफार्मर में जो ब्रीथर है उसका वर्क क्या होता है, तो क्या करता है दोस्तों ब्रीथर क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उससे मॉइस्चर को कनेक्ट करता है और यहाँ पर जो 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 ड्राई वाटर ड्राई एयर होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर इंजेक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं कि टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ द मॉइस्चर वेन आउटसाइड एयर इंटायर द ट्रांसफार्मर, जो वही है दोस्तों जो आपको बताया, तो आपका डी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब वहाँ से एटमॉस्फेयर से जो है एयर को कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 98, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड, तो किस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है हमेशा वो क्लोज की जाती है, तो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्लोज की जाती है। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो होगा आपका कोर सेचुरेट होकर जाएगा और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर काम भी कर रहा है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 99, द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कोल विल ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड, जो ट्रांसफार्मर कोल की कोर की जो साइज होती है वो किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, किस पर करती है वो, फ्लक्स एंड किस पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, सॉरी जी फ्रीक्वेंसी एंड कोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड कोर ऑफ द एरिया, तो इसका ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 100, नेचुरल एयर कूलिंग इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफार्मर अप टू, जो नेचुरल कूलिंग जो होती है दोस्तों कितने तक की जाती है ट्रांसफार्मर में, तो 1.5 MBA तक की करते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और इस क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, वो रिड्यूस द मैग्नेटिक लीकेज, यानी जो मैग्नेटिक लीकेज होता है उसको क्या करता है, वो कम करता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।